नमस्कार, जय आरसीएम हिंदुस्तान। मैं जगदीश कबीरा आपका स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद हमें उम्मीद है कि आज दोबारा से हम क्रांति लिखेंगे, और आपने जो प्यार, जो उम्मीद हमारे ऊपर दिखाई है, टाइगर टीम इंडिया का एक एक सिपाही आज बड़ा सलामी बल्लेबाज बन चुका है। आज एक ऐसे ही लीडर का दिन है जो 2019 जनवरी में बिगनर अचीवर थे, आरसीएम के पहले लेवल पे थे, और आज वो बन चुके हैं आरसीएम के स्टार पर्ल अचीवर, टेक्निकल अचीवर। उनकी कहानी बड़ी बेमिसाल है। मैं उनसे बहुत पर्सनली बहुत प्रभावित हूं। जब भी उनसे मिलता हूं, एक चेहरे के ऊपर उनका जो ऑरा है बहुत कमाल का है। कोई भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वर्क फ्रॉम होम बहुत अच्छा पैकेज है। लाइफस्टाइल की बात करूं तो ऑलरेडी बहुत अच्छी गाड़ी उनके पास है, अपना बहुत अच्छा लाइफस्टाइल ऑलरेडी मेंटेन कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि लाखों रुपए की इनकम कमानी है, एक अच्छी सी गाड़ी होनी चाहिए। सब कुछ है आज उनके पास जो एक सामाजिक भौतिक रूप से जो आदमी को चाहिए। यंग है, बहुत सारे लोग उन्हें गुरुजी मानते हैं। 2-2.5 साल के पीरियड के अंदर बहुत सारे लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं, बहुत सारे लोग उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। मैं एक दो साथियों को लेता हूं उनके बारे में बताने के लिए, केवल एक एक मिनट के लिए, और फिर हम डायरेक्ट सर को बुलाएंगे। मैं देख पा रहा हूं सुरेंद्र जी को, जो ऑलरेडी टीचर हैं और रॉयल्टी अचीवर हैं। जी सुरेंद्र जी, वेलकम सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर, जे आर सी एम। थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद बताएं। जी सर जी, गुरुदेव सुनील शर्मा जी को और श्री जगदीश कबीरा जी को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत महेश सर की सर जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं, मैं इस बिजनेस में टिका हुआ हूं और थोड़ा बहुत चल पा रहा हूं, तो जो भी व्यक्ति जिसका सबसे बड़ा योगदान है वो सिर्फ और सिर्फ महेश जी हैं। इतनी नॉलेज है सर को, मैं कहूंगा सर ना ऑलराउंडर है। संस्कृत के श्लोक से लेकर के यूएस बेस्ड कंपनी में धुआंधार इंग्लिश बोलने वाले, मतलब मैच नहीं करता संस्कृत और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन। सर को कविता के शौकीन है सर, सर को गाना गवा लो, सर को आरसीएम बिजनेस की इतनी डीप नॉलेज है कि मैं जहां जहां अटका, जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, टीम से रिलेटेड या पर्सनल, सबका जवाब, सबका समाधान सर के पास होता है। और इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल और इतनी अच्छी जॉब होते हुए भी, जो सबसे यूनिक जो सर के पास जो चीज है ना, वो इनकी सादगी है। इनका साधारण एकदम सिंपल जो व्यवहार है इनको यूनिक बनाता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि सर की टीम के अंदर मैं हूँ, और मैं जिस भी मुकाम पर हूँ ना, पूरा समर्पित है महेश जी को। और जी सर, ओवर टू यू। थैंक यू जी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर। और एक और लीडर उनकी टीम के, देखो लोग 2.5 साल में उन्होंने क्या अचीवमेंट लिए। एक वाइस प्रिंसिपल जी को आप सुन रहे थे, और अब चलते हैं एक और एक्सपीरियंस लीडर के पास, मिस्टर रतनवत सर के पास। जी रतनवत सर, प्रिंसिपल रहे हैं। जी सर, कुछ महेश जी के बारे में और 30 सेकंड में अपना परिचय। जी रतनवत सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर। आज मेरे लिए बहुत विशेष दिन है सर, बड़ा शानदार दिन है। मेरे कोच, मेरे मेंटर महेश कुमार सर आज पूरे हिंदुस्तान में छा रहे हैं सर। जिस दिन का हमें बेसब्री से इंतजार था सर, वो दिन आ चुका है। मैं सर रतन भगत हूँ, फरदाबाद से एक गांव पनेड़ा खुर्द में निवास करता हूँ। एट प्रेजेंट में एक प्रिंसिपल CBSE स्कूल में काम कर रहा हूँ सर। मैं सर सपनों को लेके आया हूँ यहाँ पे। मैं 10-20 हज़ार, 5 हज़ार के लिए नहीं आया सर, वो तो मैं एक घंटे की कोचिंग से कमा सकता हूँ 10-20 हज़ार रुपये। और मेरा जीवन शैली ऐसा भी नहीं है सर, एक आत्मविश्वास होता है कि मेरा जीवन इतना ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही जीवन जी रहा हूँ। लेकिन सर एक चीज समझ में आती है, और वो है सर, आप लोग जो बैठे हैं यहाँ पे सर, सचमुच में ही सुनील सर और जगदीश कबीरा सर, मेरे जीवन में अगर रंग भरा है ना सर, बड़े सपनों की उड़ान में जो जी रहा हूँ, ये आप लोगों की कृपा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बिजनेस बहुत आगे जाने वाला है सर। और महेश सर की तारीफ करूँ तो सर, महेश सर के बारे में जितना कहा जाए कम है। एक इतने अच्छे प्यारी पर्सनैलिटी हैं, और उनकी लाइफ स्टाइल को देखा जाए तो सर उनके पास एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा बंगला, फार्म हाउस, और जैविक खेती करते हैं सर, देसी गाय पालते हैं सर। उन्होंने अपने जीवन से ना मुझे प्रभावित किया, और मैंने जब सोचा कि इस तरह की शानदार पर्सनैलिटी इस बिजनेस को कर रही है, तो
ईगो मैंने साइड में फेंक दिया सर, और मैं सर के साथ जुट गया। और 1.5 साल में सर आप लोगों की कृपा से स्टार गोल्ड रॉयल्टी पर पहुंचना मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सर, और ये आने वाले समय में बहुत बड़ा होने वाला है सर। थैंक यू आज महेश सर को बेसब्री से हम इंतजार कर रहे हैं, और आज वो आ रहे हैं धमाका और धमाल मचाने सर। थैंक यू सर, JRCM। बिल्कुल बिल्कुल, और एक और, क्योंकि ये त्रिमूर्ति पूरी नहीं हो सकती उनके बिना, बहुत बड़ा रोल रहा है सर का, और मैं मुझे बहुत मेरे फेवरेट एकदम जबरदस्त लीडर है, मैं वेलकम करने जा रहा हूँ संजय शर्मा जी को एक बार। वेलकम सर, संजय सर। JRCM सर। JRCM, JRCM सर। सबसे पहले मेरे सभी गुरुजनों को हार्दिक नमन सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने मुझे मौका दिया। सर इस RCM बिजनेस में जब मैंने एंट्री की पहली बार, तो सुरेंद्र जी के साथ में मिलने गया महेश जी के घर पे पहली बार जी। तो मेरा इनके गांव में जो है ना कई साल से आना जाना था, पर पहली बार मैं 2 साल बाद इनके घर पे गया मैं जी। तो सर से मिला मैं वहां पे, मेरे बहुत सारे सवाल थे सर, मतलब जैसे एक जिज्ञासु बच्चा होता ना, मैंने इनसे हर तरह के सवाल पूछे। मैंने पहली मीटिंग में इनसे कोर ग्रुप तक के सवाल पूछे, कैसे वहां तक पहुंचा जाता है, क्या चीजें होती है। लेकिन सर इन्होंने बड़ी शांति से मेरे सवालों को सुना, और मैं एक चीज कहना चाहूंगा सर, बहुत ही मतलब ऐसा स्वभाव है सर का, मतलब जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। हम लोग फील्ड में बहुत समय बिताते हैं साथ में सर, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं सर जो मतलब साल में जिनका अरबों रुपए का टर्नओवर होता है, लेकिन उनके पास बैठते सर समय कभी भी सर हमें जो है ना ऐसा नहीं महसूस हुआ कि हम लोग कम है किसी से। और इस कॉन्फिडेंस की सारी वजह जो है मैं महेश जी को मानता हूँ, जो बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी है। इनको देख के लगता है कि एक आइडियल पर्सन जो है कैसा होना चाहिए। सर का जो स्वभाव है, मतलब समाज के लिए, लोगों के लिए, जीव जंतुओं के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी, वो कंप्लीट, मतलब मैं कहूंगा कि ऊपर वाले का कंप्लीट पैकेज है सर। और हमारी टीम जो है ना सर बहुत ब्लेस्ड है कि ऐसे शानदार लीडर की लीडरशिप में हमें काम करने का मौका मिला सर। और आज सभी साथियों के लिए एक शानदार मौका है कि कुछ सीखें सर से। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर अपना 30 सेकंड का अपना इंट्रोडक्शन और दे दीजिए सर। सर माइसेल्फ सर संजय शर्मा जी। जी सर, और मैं इस बिजनेस में आने से पहले एज ए मैनेजर काम कर रहा था सर SND पब्लिक स्कूल पलवल में, और जैसे ही मेरा विजन क्लियर हुआ सर आप लोगों के सौजन्य से, महेश जी के विजन से सर, उस दिन के बाद से सर मैं फुल टाइम कर रहा हूँ सर, इसको मैंने अपनी जिंदगी बना लिया है सर। सर धन्यवाद। आप भी रॉयल्टी अचीवर है सर बहुत कम समय में। दोस्तों आप देख सकते हो, क्योंकि ये जो सीरीज है ना जो हम चलाते हैं, मैं इसको अपने दिल पे लेता हूं, और मैं दिल से चाहता हूं ऐसी कहानियां जो आम लोगों की कहानियां और हीरे छुपे हुए हैं वो निकालकर हम आपके बीच में आपकी बार मिलवाएंगे हर शनिवार की रात एक कामयाब लीडर्स के साथ। और आज मेरे भी गुरु, मेरे भी उस्ताद, और मेरे बहुत अच्छे एक मैं कहता हूं सलाहकार आज हमारे बीच में है। वो पर्सनली कैसे देखते हैं महेश जी को, हम सबकी ग्रेट अपलाइन है आदरणीय श्री सुनील शर्मा जी। तो सुनील सर कुछ महेश जी के बारे में, क्योंकि आपकी टीम में सैकड़ों लीडर हैं, 216 रॉयल्टी अचीवर हैं, 25 से ज्यादा टेक्निकल अचीवर है, तो महेश जी को आप कैसे देखते हैं, किस तरह थोड़ा बताएं थोड़ा सा। JRCM टाइगर टीम हिंदुस्तान, और आज शुरुआत होने जा रही है दोबारा से, और वो भी महेश जी के माध्यम से। ओपनिंग बल्लेबाज उसी को उतारा जाता है जो फॉर्म में चल रहा हो, तो आज सर की फॉर्म बहुत जबरदस्त है। और महेश सर के बारे में क्या बताएं सर, मेरी पहली मुलाकात भीलवाड़ा के अंदर हुई थी, डॉक्टर लखनलाल जी ने उन्हें इनवाइट किया भीलवाड़ा में, और मुझे बता दिया कि ये वो धुरंधर है, अगर इसको आपने टच कर दिया तो बड़ा कुछ हो सकता है। तो पहली बार महेश सर से वहां मुलाकात हुई, और विजन पे मेरी बात ही विजन पे होती है, उससे नीचे मैं बात ही नहीं करता, तो वहां से कुछ ऐसी चीजें सर को समझ में आई, और उन्होंने डिसीजन लिया कि कोई मीटिंग नहीं छोड़ूंगा, जॉब को एडजस्ट किया या कुछ भी किया वो देना है और आज का देना है। उन्होंने कभी कभी मिशन रॉयल्टी, मिशन टेक्निकल, कोई सेमिनार, कोई काउंसलिंग, कुछ भी रहा, परिवार की एडजस्टमेंट भी उन्होंने की, क्योंकि परिवार में देख रेख करने का काम, बहुत सारी चीजों को खुद ही संभालते हैं वो, तो इतने जिम्मेदार व्यक्ति हैं। और मैं तो एक ही अंदर से मेरा निकलता है कि ये जल्दी से जल्दी डायमंड बने, और बहुत सारे लोगों का
के रोल मॉडल बने और बहुत सारे लोगों का जीवन परिवर्तित होगा महेश जी के माध्यम से, क्योंकि जब कोई सही व्यक्ति एंट्री करता है किसी भी इंडस्ट्री में तो वो इंडस्ट्री का रंग रूप बदल के रख देता है, और वैसा ही बहुत कम समय में महेश जी ने किया है। और उनकी कामयाबी का एक बड़ा राज रहा कि अनकंडीशनल सरेंडर, उन्होंने जब सरेंडर किया तो उन्होंने बोला सर मेरे मुंह से उफ नहीं निकलेगी, जैसा आप बोल दोगे जो बोल दोगे, तो जो उनको बताया गया एज इट इज फॉलो किया और उसका रिजल्ट आपके सामने है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं इतना खुश हूँ कि आज महेश जी इस प्लेटफॉर्म पे हैं। ओवर टू यू। जी जी जी, तो सर टीम में बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं, तो जब आप ये मान के चलो जब हमारे उस्ताद हमारे कोच हमारे रोल मॉडल खुद प्रभावित हैं तो कुछ तो होगा। और केवल 2019 जनवरी बिगनर अचीवर और अब यहाँ, तो कुछ तो उन्होंने किया होगा दोस्त। बहुत सारे साथी आज नए हमें सुन रहे हैं, बहुत पहली बार आए होंगे, तो उनके लिए हम थोड़ा दिखा देते हैं कहाँ कहाँ के कौन कौन से शहर के लोग आज हमें सुनने के लिए यहाँ पे हैं। जी अपने शहर का नाम आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, केवल शहर का नाम। आगरा से हमारे बीच में है बारी, आगरा, कुंडौल, भदोही, जम्मू, पहासू, उधमपुर, शमशाबाद, आगरा, धौलपुर, सहारनपुर, शाम्बल, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, उधमपुर, पानीपत, पिनहाट, मथुरा, आगरा, बहा, ग्रेटर नोएडा, पहासू, जहांगीरपुर, पलवल, ग्रेट मैनपुरी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, बिडूकी, आगरा, कोसी, जेवर, मथुरा, पुणे, कन्नौज, उधमपुर, बुलंदशहर, बिहार, क्या बात है, इटावा, फरीदाबाद, मुरैना, उधमपुर, आगरा, बल्लभगढ़, बहुत सारे लोग, ग्वालियर, देहरादून, कोलकाता। ये हमारा बहुत दिन के बाद पहला एपिसोड है, पहला ऐसा लीडर है जो कोई आ रहा है। बठिंडा से भी हमारे बीच में कुछ लीडर्स हैं, छाता, टप्पल, फिरोजाबाद, गुड़गावा, तो पूरे हिंदुस्तान से हैं। मायचा, हताना, गंगापुर सिटी, राजस्थान, तो पूरे हिंदुस्तान में आप देख रहे हो। हर आदमी अपनी जीविका के लिए कुछ ना कुछ करता है। सर वेल सेटल थे, सर को क्या समझ में आया, आज उन्हीं से जानेंगे कि उन्होंने क्यों किया, आरसीएम क्या जरूरत थी। ऑलरेडी सब कुछ जैसे एक चाहिए आदमी को, बढ़िया तो चल रहा था, फिर ये पंगा लेने की क्या जरूरत थी उन्हें। दोस्तों मैं अनम्यूट ऑल कर रहा हूं केवल 30 सेकंड के लिए, और जोरदार तालियों के बीच में बुलाने जा रहा हूं ये प्यार, ये दुआएं, ये ब्लेसिंग्स आप डिजर्व करते हो सर। और अब पूरा सेशन आपका है, थोड़ा अपने बारे में बताएं कहां से शुरुआत हुई, कैसे कैसे है। ओवर टू यू महेश जी। शुक्रिया शुक्रिया, नमस्कार हिंदुस्तान, जय आरसीएम। और आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड, क्योंकि ये बिजनेस, ये दुनिया में इससे बढ़िया शानदार कंसेप्ट नहीं है जहाँ पे हम लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, हम लोगों के जीवन में रंग भर सकते हैं। सबसे पहले मैं जगदीश सर का शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि इस तरीके का प्लेटफॉर्म डिज़ाइन करना, इतने सारे लोगों को कनेक्ट करना एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, हर कैटेगरी का, हर जाति का, हर धर्म का लोग यहाँ पे अवेलेबल है। बस मकसद क्या है इस कंसेप्ट का, लोगों के जीवन में रंग भरना, और मकसद होना इस बिजनेस में बहुत ज़रूरी है। और इसी मकसद के साथ हम सब लोग इस पे लगे हुए हैं। और परिचय की मैं बात करता हूँ, मेरा नाम महेश कुमार है, गांव जवां, फरीदाबाद, हरियाणा का मैं रहने वाला हूँ। बचपन में गवर्नमेंट स्कूल से मैंने 8th class तक मैंने पढ़ाई करी, उसके बाद वहाँ के एक टीचर ने मेरे फादर को बोला कि सर इसका भविष्य अगर बनाना चाहते हैं तो आपको इसको प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहिए। और बल्लभगढ़ में एक स्कूल है, रावल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मुझे वहाँ पे मेरी प्लस टू तक की एजुकेशन वहाँ पे हुई। और उसके बाद पलवल से SD कॉलेज है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन करी। मेरे परिवार में मेरे बड़े भाई एक हेल्थ डिपार्टमेंट में एज ए सुपरवाइजर वो काम कर रहे हैं। सिस्टर शादीशुदा हैं, उनके पास एक अच्छा सेटअप है, 25 एकड़ जमीन है उनके पास,
तो वो भी वेल सेटल्ड हैं। पढ़ाई के बाद मेरा जो सिलेक्शन बीसीए में ही हो गया था, मेरे एक बड़े भाई हैं ताऊजी के लड़के, मुझे मौका मिला फर्स्ट टाइम किसी कंपनी में काम करने का। और आपको मैं बता दूं, 6 महीने मैंने वहाँ फ्री काम किया। उसका रीज़न था कि मेरे अंदर शुरू से ये रहा कि सीखना ज़रूरी होता है। मैंने कभी नहीं बोला मुझे क्या पैकेज देंगे, क्या मामला है, मैंने सिर्फ फोकस किया लर्निंग के ऊपर। और ऐसा ही हुआ, 6 महीने बाद एक छोटी सी सैलरी मेरी लगाई गई 6,500 नौकरी के अंदर, और लगभग 5 साल मैंने वहाँ पे काम किया। आसान नहीं था वहाँ जॉब करना, क्योंकि गुड़गांव में वो कंपनी थी और मैं अपने गांव से लगातार 5 साल अप एंड डाउन करना, राइट? तो 5 साल लगातार अप डाउन किया मैंने। और ऐसा भी हुआ कई बार अंधेरी रातों में सुनसान रास्तों पे जब मैं निकलता था, और धुंध भी हुआ करती थी कई बार, कभी उपलों में जा रही है बाइक और कई बार तो नहर में जाते जाते भी बची, ऐसे भी मेरे साथ हुआ। क्योंकि धुंध में 11 बजे आप समझ सकते हैं वो सारी चीजें विजिबल नहीं होती हैं, लेकिन वो स्ट्रगल पीरियड था। सीखता रहा, करता रहा, और एक डिसीजन लिया मैंने 5 साल बाद, क्योंकि वहां पे जो कुछ चल रहा था मुझे समझ में आ रही थी चीजें, क्योंकि वहां मेरी 6,000 से लगभग 25,000 तक मैं पहुंचा था 5 साल के अंदर, और शादी हो चुकी थी। प्रेशर था घर वालों का कि भैया कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि 25,000 से जीवन चलने वाला नहीं है। तो डिसीजन लिया और जंप किया एक कंपनी में, मैंने 25 से सीधा 50,000, और अनलकीली 9 महीने में वो कंपनी बंद हुई और मुझे रोड पे आना पड़ा। और उसके बाद फिर से स्ट्रगल का एक टाइम रहा, और मैं हमेशा परमात्मा को मानता हूँ, मेरा हमेशा उन्होंने साथ दिया है। मैं जब भी कभी परिस्थिति में फंसता हूँ मैं उनको याद करता हूँ, क्योंकि वो एक चीज बोलते हैं कि इस दुनिया में जब भी मानव जीवन पर अगर कष्ट आता, अगर वो उसे याद करेगा वो 100% आपकी हेल्प करेगा। ये मेरा मानना है, मेरी आस्था है परमात्मा में, और मेरी हेल्प करी। और पिछले 11 साल से मैं वर्क फ्रॉम होम इस कंपनी में लगातार, यूएस बेस्ड कंपनी में पिछले 11 साल से यहाँ मैं काम कर रहा हूँ। एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ, हर तरीके से परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है। और 3.5 साल लगभग 3.5 साल पहले मेरे जीवन में डॉक्टर लखनलाल जी का आना हुआ। माताजी बीमार रहती थी, तो माताजी को न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से कुछ उनका ट्रीटमेंट किया, तो उनको कुछ हेल्प मिली। तो मैंने इस बिजनेस को, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वाइन किया था। मुझे इसमें कोई उस तरीके का इंटरेस्ट नहीं था कि मैं इसमें कोई नेटवर्क बनाऊँ या मुझे इस तरीके के बिजनेसेस पे, ना तो मैंने कभी इसके बारे में जाना, ना मैंने जानने की कोशिश करी। उसका रीजन सिंपल था, उस समय मैं एक गाय का एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। लगभग 8-10 गायें थी मेरे पास, और उस समय मैं अपने दूध को लगभग 85 और 100 रुपए लीटर बेचता था उस समय पे। तो कहीं ना कहीं मैंने वो चीजें एक ये समझ लीजिए कि वो परमात्मा की कोई मर्जी नहीं थी, या जैसे भी उस समय मैंने वो होता है ना कि शुरुआत में हर भारतीय अपने फर्ज होने का फर्ज पूरा करता है, वो रिजेक्ट करता है नई चीज को, तो मैंने भी वो फर्ज पूरा किया और वो आशीर्वाद हुआ, उस परमात्मा का कृपा हुई, और डॉक्टर साहब ने मुझे भीलवाड़ा ले जाके गुरुजी के हवाले कर दिया, और वो गुरु कृपा हुई मेरे ऊपर, वो समझ, वो विवेक मिला, मैं इस बिजनेस का समझ पाया। और वो दिन और आज का दिन मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये मेरी जर्नी रही। आरसीएम बिजनेस में बहुत कुछ सीखा है मैंने, परमात्मा की हेल्प, परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरुजी के आशीर्वाद से, वो हर चीज जो इस बिजनेस के लिए जरूरी थी वो सारी चीजें मैंने, चाहे वो मुझे वो आगरा लेके गए हों, गुरुदेव ने जो बोल दिया मैंने एज इट इज उन चीजों को किया, और नतीजा आपके सामने है। जो भी अचीवमेंट है इसमें सबसे बड़ा योगदान, देखो बिना कोच के, बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता है, और उससे बड़ी बात होती है आपके पास एक अच्छी टीम का होना बहुत जरूरी है जो समर्पित रहे। जैसे हम अपने कोच को समर्पित हैं, ऐसे ही टीम अगर आपको समर्पित होती है तो आपकी जिम्मेदारी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। बहुत सारे शानदार लीडर्स मेरे साथ हैं, बहुत शानदार टीम काम कर रही है, सिर्फ एक अच्छी प्लानिंग के साथ, एक अच्छे मोटिवेशन के साथ बहुत सारी चीजें शानदार चल रही हैं।
अब बात करते हैं, गुरुजी ने एक बहुत शानदार पॉइंट बोला कि आरसीएम बिजनेस आपने क्यों किया, आपके पास पहले से ही सारी चीजें हैं, ऐसा क्या देखा आपने, क्यों आपको ये अच्छा इस कंसेप्ट को आप में ऐसा कुछ क्या देखा जो आप इस बिजनेस में आ पाए। तो यकीन मानिएगा सर, सब कुछ होने के बावजूद मैं सिंपल बात करता हूँ सर, मुझे घुमा फिराना नहीं आता, मैं एक चीज के लिए आरसीएम बिजनेस में आया, मुझे अमीर बनना है। अमीर बनने के लिए मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया। लोगों की नजरों में हो सकता है पैसा अमीरी हो, लेकिन मैं आज आपके साथ कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगला 15-20 मिनट अगर आपने ध्यान से इन चीजों को सुन लिया, मैं आप सभी से वादा करता हूं आज आप 100% जितने भी नए साथी हैं वो डिसीजन लेने के लिए बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि वो कारण जिन्होंने मुझे जगाया सब कुछ होने के बावजूद, आप अगर उनको अगले कुछ मिनटों में उनको अगर आप अंदर तक जाने देते हैं तो 100% आपके अंदर भी वो आग लगेगी और आप भी वो डिसीजन लेंगे आज। तो वो वजह क्या थी, मैंने जब इस बिजनेस को समझा था, मैंने एक टारगेट बनाया था, 2028 तक मुझे स्टार डायमंड तक जाना है, यानी कि यहाँ पे 50 लाख की इनकम होती है स्टार डायमंड की, मुझे 2028 तक वो हर किसी भी हाल हर काल में मुझे वहां पहुंचना है। उसका रीजन ये नहीं है कि मुझे 50 लाख रुपए महीना कमाना है, सवाल ये है जब मैं टिकट ले चुका हूं वहां की 50 लाख रुपए महीने की, तो इस जर्नी के दौरान मैं कितने लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट करूंगा वो महत्वपूर्ण है। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करने के का एक सबसे बड़ा रीजन यही है कि मेरे पास दो वजह सबसे बड़ी रही, क्योंकि मैं गौ सेवा भी करता हूँ, मैं गौ वंश को जब देखता हूँ भटकते हुए तो अंदर आवाज आती है कि यार कुछ करना चाहिए, क्योंकि जॉब से ना कभी आप बड़ी चीजें नहीं कर सकते, आप जरूरतें पूरी कर सकते हैं। अच्छी जिंदगी थी लेकिन सर वो कहीं ना कहीं आपके सपनों को पूरा करने से रोकती है, इसलिए मैंने इसको सीरियसली लिया। और वो 6 वजह मैं आपसे आज शेयर करूंगा कि मैंने इनके अलावा वो 6 वजह क्या है जिसकी वजह से आप हर इंसान को ये बिजनेस को करना चाहिए। देखिए, इस दुनिया में जो मेरा मानना है, जो मैं समझता हूँ, जो मेरा अनुभव है, इस दुनिया के अंदर लोग 6 तरीके से गरीब हैं। अगर आप इन चीजों को अपना मूल्यांकन करेंगे और अगर आपको लगता है कि इस गरीबी से आपको मुक्ति चाहिए, तो 100% ये बिजनेस आपको वो गरीबी से मुक्ति दिला सकता है। क्योंकि गरीबी के बारे में बताया जाता है, बीमारी से तो एक बार इंसान मर जाता है लेकिन गरीबी इंसान को हर दिन मारती है। तो क्या है वो गरीबी, कौन सी वो गरीबी से मैंने मुक्ति पाने के लिए इस बिजनेस को स्टार्ट किया। सबसे पहली गरीबी, जो इंसान आज की डेट में गरीब है, 100 में से 99 लोग उस चीज से ग्रसित हैं, उस गरीबी का नाम है मानसिकता, आपकी सोच। उस गरीबी का नाम है आपकी सोच। मैं जब इस बिजनेस में आया था मेरी कोई बहुत बड़ी सोच नहीं थी, एक अच्छी जिंदगी मैं जी रहा था, मुझे कोई लगता नहीं था कि मैंने जब बचपन में सोचा था कि इंजीनियर बनना, मैं बन चुका था, मुझे उसके आगे मुझे नहीं पता था कि और अच्छी जिंदगी क्या होती है। तो मैंने जो सोचा मैंने वो पा लिया था, लेकिन जब मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया गया, सोच के बारे में, क्योंकि जब आप इस बिजनेस में आते हैं, जब आप अपने कोच के संपर्क में आते हैं, तो आपकी सोच सबसे बड़ी बात, सोच पे आपको काम करना होता है, क्योंकि सोच ही वो चीज है। मैं पहला पॉइंट सोच को क्यों मानता हूं, जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, जब तक आपका माइंडसेट चेंज नहीं होगा, जब तक आप इस काम को कर ही नहीं सकते हैं। आपके पास दुनिया भर के बहाने मिल जाएंगे, दुनिया भर के चैलेंजेस होंगे, लेकिन अगर आपकी सोच, आपके पास अगर कोई मकसद होगा, आपकी सोच में वो वजह होगी, तो आप इस बिजनेस को 100% कर जाएंगे। तो माइंडसेट का खेल है, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि भैया जितनी चादर है उतने पैर पसारिए, क्योंकि सोच बचपन से बनती है, अचानक नहीं होती। हमारी जो प्रोग्रामिंग होती है, हमारा जो माइंड की जो ब्लूप्रिंट सेट होता है, वो बचपन से हम जिन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, जिस स्कूल कॉलेज में हम पढ़ते हैं, वहां के लोगों के बीच में जहां रहते हैं, वो सोच हमारी डिजाइन होती है वहां से। तो मानसिकता का ही सारा खेल रहता है, वो मानसिक ब्लूप्रिंट को अगर कोई चेंज करता है, आप इस बिजनेस में अगर आइएगा तो आप 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी सोच 100% बदल के रख देगा ये बिजनेस। तो सोच क्या होती है,
बहुत सारे लोग ये कहते हैं थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। भाई साहब तेरे पास पहले ही थोड़ा है और तुझे थोड़े की जरूरत है, तो जिंदगी थोड़ी ना चलने वाली। तो ये बिजनेस आपको वो सोच देगा, आपको वो ड्रीम्स देगा, जो आप इस बिजनेस को जब करेंगे तो आपको सारे सपने आपके जागेंगे, जैसे मेरे नहीं थे आपके भी बन जाएंगे। तो इसको मैं एक छोटी सी एक लाइव एग्जांपल से मैं समझाना चाहता हूँ कि ये माइंडसेट का रोल क्या रहता है। मैंने एक लाइव एग्जांपल देखा, आपने हाथी देखा होगा, वो हाथी बहुत बड़ा होता है, लेकिन कभी आपने अगर उसे गौर से देखा हो, उसको महावत एक छोटी सी रस्सी से बांध देता है, और वो चाहे अगर वो हल्की सी तेज सांस ले तो उस रस्सी को तोड़ सकता है। ऐसी क्या वजह है जो वो रस्सी को तोड़ नहीं पाता है? इसका अगर आप देखेंगे तो ये बचपन से उस हाथी को, जब वो छोटा होता है, जब वो शरारत कर रहा होता है, जब उसके सपने होते हैं, वो भी चाहता है कि वो आगे बढ़े, उस समय उसको 3-4 महीने के हाथी को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। जब वो उछल कूद करता है तो उसके पैर में वो जंजीरें होती हैं, वो सोचता है यार मैं अपनी जिंदगी अपने सपनों के हिसाब से नहीं जी पाऊंगा। वो उसको अंदर बिठा दिया जाता है, वो कोशिश करता है, वो तोड़ नहीं पाता है। वो कुछ महीने प्रैक्टिस करता है कि तोड़ के अपनी जिंदगी को, वो चाहता है मैं भी खेलूं, मैं भी अपने जिंदगी को जीऊं, मैं भी जो मेरा मन करता है वो खाऊं, लेकिन वो बचपन में जो वो बेड़ियां उस पैरों में डाल दी जाती हैं, उन बेड़ियों की वजह से कुछ महीने बाद उसका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि वो उनको तोड़ नहीं पाता है। जैसे ही वो बड़ा होता है, जब वो बड़ा होता है, इस वजह से क्या है कि उसके दिमाग में वो चीज बैठ जाती है कि तू इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता, वो माइंडसेट उसका क्रिएट हो जाता है। और मैं आपको बताता हूं सर, इस दुनिया के अंदर 100 में से 99 लोगों की कहानी उस हाथी के जैसी है। वो बेड़ियां हैं, वो बेड़ियां, वो बचपन से किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में हमारे पेरेंट्स ने हमें ये बोला गया कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू नालायक है, तेरे बस का नहीं है। जब भी वो काम करने के लिए निकलता है, कुछ अंदर की आवाजें उसे रोकने का प्रयास करती है, क्योंकि वो माइंडसेट क्रिएट हो चुका है, वो माइंडसेट उसको हर काम करने से रोकता है। आप यकीन मानिएगा, जब तक ये माइंडसेट आपके दिमाग में सेट हो चुका है ना, वो जो आपको गरीबी वाला माइंडसेट आपका तैयार हो चुका है ना, जब तक आप उसे तोड़ोगे नहीं ना, जब तक उन बेड़ियों को तोड़ोगे नहीं ना, जब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। क्योंकि आप भी ये कई बार हंसते हो उस हाथी के ऊपर, बताओ यार इतना बड़ा हाथी और ये छोटी सी रस्सी नहीं तोड़ पाता है। आप हंस सकते हैं, परमात्मा भी हम पे हंसता होगा। क्यों? क्योंकि वो भी तो, उसने भी तो हमें कितना जबरदस्त ताकत दी, एक अच्छा दिमाग दिया, वो जो दुनिया का सबसे खूबसूरत प्राणी बना के भेजा। आप जब उन रस्सियों को, उन बेड़ियों को आप तोड़ नहीं सकते, तो परमात्मा भी तो सोचता होगा कि मैंने क्या बना के भेजा था और ये क्या कर रहा है। तो साथियों, ये बिजनेस नॉट ओनली पैसा, ये आपकी दिमाग की प्रोग्रामिंग को चेंज करके रख देगा। जो ट्रेनिंग्स यहाँ पे मिलती हैं, जो आपको कोचिंग मिलती है, जो आपको किताबें मिलती हैं, जो आपको अपलाइन की सपोर्ट मिलती है, जो आपकी प्रोग्रामिंग को चेंज करने का एक सिस्टम मिलता है, इस दुनिया के अंदर आप लाखों रुपए खर्च कर देना, यहाँ से बेहतर एजुकेशन सिस्टम आपको नहीं मिलेगा जो आपकी इन बेड़ियों को तोड़ने का काम करेगा। तो पहला पॉइंट सबसे जरूरी, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, आपको उन बेड़ियों से मुक्त करना, अपने आप को करना पड़ेगा। मेरे अंदर भी थी ये बेड़ियां, मैंने भी जब इस बिजनेस में आया तो मैंने इन बेड़ियों को तोड़ा, और परमात्मा और अपने गुरुजी की कृपा से मैं आगे बढ़ पा रहा हूं। दूसरी जो सबसे बड़ी गरीबी होती है, पैसे की गरीबी। इंसान वास्तव में, अगर आपने देखा होगा, हर चीज पैसे से आती है, रिश्ते से लेके हर, आपके आज अगर रिश्ते भी अगर मजबूत बनते हैं तो पैसे वालों के ही होते हैं। अगर बहन भी अगर आती है तो पैसे वाले भाई के पास ही आती है। या आप एक प्रैक्टिकल लाइफ है, इसमें कोई मैं आपको बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ, ये आज की डेट में ऐसा हो रहा है, ये कलयुग है। तो पैसा चाहिए सर, पैसे के बिना कुछ नहीं है। और जो सर्वे बताया जाता है हमारे देश के अंदर, आज वो सर्वे के हिसाब से 1 लाख रुपए से ज्यादा चाहिए, और वो ही जरूरतें पूरा करने के लिए। सपनों को छोड़ दीजिए आप, 1 लाख जैसी इनकम 2025 में वही इनकम 2.5 लाख रुपए चाहिएगी। सपने अलग बात है, जरूरतें पूरा करने के लिए भी अगर हमें 2.5 लाख रुपए 2025 तक चाहिए, तो मेरे हिसाब से सर पैसे के लिए भी एक बड़ा कारण है जो इंसान इसको करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी गरीबी है जो इंसान को
इस बिजनेस में करने के लिए बाध्य करती है। आपको करना चाहिए, पैसे की गरीबी बहुत बड़ी गरीबी होती है, इसको आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। जो काम आप वर्तमान काम कर रहे हैं, अगर आपके वहां से 1-1.5 लाख रुपए नहीं आ रहे हैं तो सर सोचने का विषय है। तीसरी सबसे बड़ी गरीबी जिसके लिए मैंने बिजनेस को चुना, उस गरीबी का नाम है समय। लोगों के पास सर पैसा होता है, मैं मानता हूं बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता है, सर समय नहीं है लोगों के पास। आप यकीन मानिएगा, अपने आप से पूछिएगा कब अपने अनारकली को आप घुमाने के लिए ले गए थे लास्ट। सर समय नहीं है। समय क्यों नहीं है? क्योंकि आप अपने काम में इतने मस्त हैं, आपको यही समय नहीं है कि आप अपने परिवार के प्रति आपकी जो जवाबदारी है, अपने बच्चों के प्रति आपकी जो जवाबदारी है, वो आप उसे निभाई नहीं रहे। आप सुबह जाते हैं, आप रात में आते हैं, कब आए कब गए, जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। समय कब करोगे, वो कब घुमाओगे उनको, सोचिएगा सर। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, लगता है छोटा सा है, घुमाना कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हम करते ही नहीं है। कब करोगे? जब आप बुजुर्ग हो जाओगे, जब करोगे क्या? जब आपके घुटने जवाब दे जाएंगे, जब जाओगे क्या हिल स्टेशन पे? तो सर समय पर रहकर ही सारे काम होते हैं। और अगर आप वास्तव में नहीं कर सकते ना, आज ही बोल देना अपनी श्रीमती जी से, तू कभी स्विट्जरलैंड नहीं देख पाएगी। बोल दो अपने बच्चों को, साला तुम जीवन में कभी भी तुम हिल स्टेशन नहीं जा पाओगे। यार एक जीवन मिला है, एक लाइफ मिली है, आप यकीन मानिएगा उनकी जिम्मेदारी हमारी, अपनी हमारी जिम्मेदारी है उनको घुमाना। तो सर इस समय को समय के साथ हमें बदलना चाहिए। ये बिजनेस आपको समय देगा, वो फ्रीडम देगा, आप जो मर्जी करिएगा अपने बच्चों के साथ, उनके साथ समय बिताइए। क्योंकि एक चीज बोली जाती है, जो आप बोते हो आप काटते हो। अगर आप अपने बच्चों को समय नहीं दोगे ना, तो आप एक्सपेक्टेशन भूल जाना, आपको वो जब आप उस एज में आओगे ना, आपको उस समय दे देंगे। तो ये बहुत मेजर पॉइंट है, समय के लिए इस बिजनेस को करिएगा। और तीसरी चौथी जो गरीबी होती है, जो मैं मानता हूं, सेहत से गरीबी। लोग पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, उस पैसे को, उस शरीर को बचाने में फिर लगा दे रहे हैं। तो सर नेट रिजल्ट क्या रहा? जीरो। नेट रिजल्ट जीरो है। आप यकीन मानिएगा, कब अपनी सेहत पे ध्यान देंगे आप? आप सुबह चले जाते हैं, ना खाने का टाइम है, ना पहनने का टाइम है, आपको यही नहीं पता कब कौन सी चीज खानी चाहिए। इस बिजनेस में आने के बाद पता चला न्यूट्रिशन क्या चीज है, ये कैसे आपको फिट रख सकती है, कितने लंबे समय तक आप जवान रह सकते हैं। क्योंकि नॉट ओनली न्यूट्रिशन, आप यकीन मानिएगा, जब आप अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं, जब आप उन एक्साइटेड लोगों के बीच में रहते हैं, आपका एक्साइटमेंट, आपके अंदर जो जोश रहता है ना सर, जोश से बड़ा एनर्जी बूस्टर कुछ नहीं इस दुनिया के अंदर। तो वो लोग, जिन लोगों के बीच में आप रहेंगे, आपको इस सेहत की गरीबी से भी आपको मुक्ति दिला सकता है ये सिस्टम। तो आप इस बिजनेस को इस सेहत के लिए भी करिएगा। क्योंकि मैं आपको वो पॉइंट बता रहा हूँ सर, मैं कोई आपको कोई, मेरा कोई मकसद नहीं है मैं आपको मोटिवेट करूं, मैं आपको रियल फैक्ट्स बता रहा हूँ जो जीवन में आपको चाहिए ही चाहिए। क्योंकि मोटिवेशन आप 2-4 दिन के लिए हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ठोस वजह होगी तो कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है सर। आप सेल्फ स्टार्ट रहेंगे, सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, और ये वजह है। अगर आपके पास वजह नहीं है तो मैं आपको वजह दे रहा हूँ आज। करिएगा इन चीजों पे विचार करिएगा। आरसीएम बिजनेस क्या है, कैसे, सब चीजें हो जाएंगी जब आप इसको आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज मैं उन पॉइंट्स पे आपसे चर्चा कर रहा हूँ, इस बिजनेस की वास्तव में हमें जरूरत क्यों है। अगर आपके पास ये वजह है ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती इस बिजनेस में कामयाब होने से। तो ये वजह है सर, सेहत के लिए करिएगा। क्योंकि अगर हम जिंदा हैं इस शरीर की वजह से हैं, क्योंकि वो जगह है जहाँ पे हम जिंदा हैं, इसकी भी केयर करना हमारा दैनिक हमारा रहना चाहिए, कि हमें इसको हमेशा प्रायोरिटी पर रखना चाहिए हेल्थ को। और इसके बाद एक और गरीबी होती है सर, सिक्योरिटी। ये मैं कह रहा हूँ सर, आरसीएम बिजनेस में अगर आप 100 लोगों से पूछोगे कि आपने आरसीएम बिजनेस क्यों किया, आपको मैं यकीन दिला दे रहा हूँ 95% लोग यही बोलेंगे कि मैं इस बिजनेस को किस लिए आया हूँ, सिक्योरिटी की वजह से। और ये वास्तव में बहुत बड़ा पॉइंट है, एक मुद्दा है।
आप अपने आप से पूछिएगा, अकेले में आप पूछिएगा जो आप वर्तमान काम कर रहे हैं, भगवान ना करे अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है, जो इनकम आपकी आज लगातार आ रही है क्या वो लगातार आती रहेगी? एक बड़ा सवाल है। इस सवाल को अगर आप सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं तो रोंगटे खड़ा करने वाला सवाल है, क्योंकि कोरोना काल में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के घर उजड़े हैं, जिनके उजड़े हैं आप उनसे पूछिएगा उनका जीवन किस तरीके से चल रहा है। देखो इंसान की जो कमी है वो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन देखो पैसा एक ऐसी चीज है ये बहुत जरूरतों को पूरा करता है, आपके जीवन को बहुत आगे हर चीज में पैसे की जरूरत होती है। तो सर एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने इस बिजनेस को लिया था, मैंने अपने आप को चेक किया, ये भी मैं एक इस पॉइंट पे मैं गरीब था। चेक करिएगा सर, नौकरी आपको एक जिंदगी नहीं देगी, आपको खाली आपकी जरूरतें पूरा करेगी। सही है साथियों? तो ये आप सोचिएगा, विचार करिएगा, एक सिक्योरिटी भी इस बिजनेस से हमें मिलती है जो हमारी इस गरीबी को दूर कर सकती है। सही है सर? उसके बाद बहुत बड़ी और एक और बड़ी चीज जो मैं शेयर करना चाहूंगा, इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिला। सर लोगों के पास एक और गरीबी होती है जिसका नाम है सम्मान की गरीबी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि कुछ लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं कुछ लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। ये क्या इससे बड़ा सम्मान हो सकता है क्या किसी का? नौकरी में कभी मुझे नहीं बोला गया कि भाई साहब आपको इस तरीके से स्टेज मिलेगा, आप लोगों को, लोगों के जीवन में आप कंट्रीब्यूट करेंगे। जॉब से ये संभव नहीं था। आप यकीन मानिएगा इस बिजनेस में जो सम्मान मिलता है ना, जब लोग बोलते हैं कि आपकी वजह से हम इस मुकाम पे पहुंचे या आपकी वजह से हम अपने जीवन में आगे बढ़ पा रहे हैं, इस दुनिया का सबसे सुकून वाला पल होता है। अगर कोई बंदा आपके लिए बोलता है कि आज जो भी कामयाबी है या जैसे भी मैं इस बिजनेस में डिसीजन ले पाया, आपकी वजह से ले पाया, इससे बड़ा सम्मान इस धरती पे नहीं मिलेगा। तो इस सम्मान के लिए आप करिएगा इस बिजनेस को, और यकीन मानिएगा सर इस दुनिया के अंदर हर इंसान कामयाब होना चाहता है। अगर आप कामयाबी की परिभाषा अगर मेरे से जानना चाहते हैं तो ये 5 या 6 चीज जो मैंने बताई हैं, ये कंप्लीट पैकेज अगर मैं किसी को सक्सेसफुल कहूंगा तो मैं ये 6 चीजें जिसके पास हैं वो मेरे नजर में वो सक्सेसफुल है। अदरवाइज कोई ना कोई एरिया में कोई ना कोई किसी ना किसी वजह से हम गरीब हैं। आज अपने आप को चेक करिएगा आप कौन से एरिया में गरीब हैं, तो आप जो भी वजह बने आपकी, इन 6 वजहों में से अपना सेलेक्ट करिएगा, और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा कि अगर आपको मेरी बात अगर हिट कर गई और आप इस बिजनेस में डिसीजन ले पाए, कोई भी एक वजह आपके पास इसमें से बनती है तो 100% मेरा इस वेबिनार को करने का, हमारे कोच जगदीश सर का इस वेबिनार को करने का हमारा मकसद सॉल्व हो जाएगा। तो सर ये था वजह जिस वजह से मैंने आरसी बिजनेस किया, क्योंकि कंट्रीब्यूट करना किसी के जीवन में, अपने सपनों को पूरा करने के दौरान अगर उसके साथ साथ आप बहुत सारे लोगों के जीवन को उस लेवल तक ले जा सकते हैं, एकमात्र प्लेटफॉर्म आरसी बिजनेस है। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ, आप इस बिजनेस को कोई वजह बनाइएगा और उसके आगे आप करिएगा। और हाँ सर, ये तो वजह थी। आप अगर कोई आप ओवर टू यू, अगर आप कुछ आप सवाल जो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको 100% निराश नहीं करूंगा। बिल्कुल सर, आपने अपनी दिल की बातें रखी, अपने जज्बात बताए कि क्यों एक आम आदमी और एक खास आदमी सभी के लिए आरसीएम बना है। तो क्या भविष्य देख रहे हैं सर आप आरसीएम का, और क्यों आरसीएम ही चुना आपने? जी सर, बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि रास्ते तो बहुत सारे हैं अमीर बनने के। बहुत सारे लोगों ने बट्टे भी खोल रखे हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे काम किए हुए हैं, आरसीएम ही क्यों? कारण सर सिंपल है। मैंने गुरुजी ने जब मुझे एक किताब दी थी, उसका नाम है बिजनेस स्कूल, क्योंकि जब तक आपको एजुकेशन नहीं मिलती ना, आप एक हवा में बात करना और एक विद प्रूफ के साथ बात करना उससे ज्यादा असर होता है। उस किताब में मुझे बताया गया था 5% लोगों में अगर आपको जाना है तो आपके पास नेटवर्क होना चाहिए, क्योंकि वो ताकत है जो
आप अपने आवर्स को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनकम का एक सीधा फॉर्मूला सर ने बताया था कि रेट इनटू टाइम। आप नौकरी में, आप दुकान में अपनी रेट को बढ़ा सकते हैं, आप अपने जीवन में इन 24 घंटे को 26 घंटे नहीं कर सकते, करेक्ट। तो आरसीएम वो पावर है जो कंपाउंडिंग काम करती है। मैंने इस बिजनेस को क्यों किया, क्योंकि मैंने देख लिया, मैंने अपना जीवन में जोर लगा लिया कि मैं कहां तक पहुंच पाया, और अगर मैं अगले 5 साल भी अगर जोर लगाता हूं इस नौकरी के अंदर, तो मैंने अपने आप को चेक कर लिया था कि मैं ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 लाख तक पहुंच पाऊंगा। लेकिन इस बिजनेस की ताकत जब मैंने महसूस करी, जब ये कंपाउंडिंग होता है, जब आप अपने जैसे लोगों को तैयार कर देते हो, अगर आप 4 भी लोगों को तैयार करते हो तो आप 4 गुना स्पीड से यहाँ काम कर सकते हैं। दैट इज पावर ऑफ नेटवर्क, और ये नेटवर्क की ताकत ही है आने वाले समय में। अगर कोई आम इंसान अगर खास बनना चाहता है, अपने सपनों को पूरा कर सकता है, वो एक ही ताकत है, वो है नेटवर्क की ताकत। तो सर ये समय है, हर चीज का ट्रेंड रहता है, वो ट्रेंड आ चुका है। बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं। अगर बिना पैसा लगाए इस दुनिया में अगर कोई इंसान पैसा कमा सकता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। और उससे उसमें भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम बहुत लकी हैं, सौभाग्यशाली है कि आरसीएम बिजनेस वो एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सारे सपने पूरे कर सकते हैं सर। जी सर। अच्छा सर, एक सवाल अभी मन में आया ताजा कि अच्छी सैलरी, सब कुछ बढ़िया है, डर नहीं लगा आपको कि यार फेल हो गया तो? क्योंकि लोगों को तो 10,000 की नौकरी करते हैं तब भी डर लगता है यार, लोग क्या कहेंगे। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और आप जब किसी को के दुकान बदल लो जिंदगी बदल जाएगी बताते होंगे, तो कुछ गिल्टी फील नहीं होती क्या, या मतलब क्या मन में चलता है? एक्चुअली जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था सर, मेरे चाचा जी हैं, एमडी हैं स्कूल के, मैंने उनके पास गया। ये बिजनेस ऑलरेडी वो कर चुके थे, मुझे नहीं पता क्या रीजन रहा उनका, क्या वजह रही जो उन्होंने इस बिजनेस को आगे नहीं कर पाए। तो मैंने, जैसे देखो जो होता ही है जनरली, अपने से बड़ों से राय लेते हैं, और मैं राय लेने गया तो मुझे नेगेटिव आंसर मिले। क्योंकि देखो जो इंसान जिस काम में फेल होता है सर, सीधी सी बात है, वो अपनी कमी नहीं बताता, वो सिस्टम के ऊपर मर देता है, और ये एक सच्चाई है, एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन मैं एक चीज मानता हूँ सर, जो ये लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा रोग है सर, ये सबसे बड़ा रोग है। मैंने भी जब शुरुआत किया, जब मैं गाड़ी में अपना सामान लेके जाता था, लोग मेरे को भी वो अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते थे, बहुत शानदार, मैंने वो नोट किए हुए हैं वो कमेंट्स क्या हैं। क्योंकि जब समय आता है सर जवाब देने का, तभी देना चाहिए, क्योंकि बातों से नहीं, कुछ करके दिखाइएगा तो बात बनती है। मैं एक चीज मानता हूँ सर, कौन है वो लोग, क्या वो VIP हैं, क्या वो कोई सक्सेसफुल लोग हैं जो ये लोग कहते हैं, कौन है ये लोग सर? आपके लिए लोग महत्वपूर्ण नहीं है, आपके लिए आपकी जिंदगी महत्वपूर्ण है, आपके लिए आपका परिवार महत्वपूर्ण है। लोगों पे जाएंगे तो आप जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि लोग कुछ तो कहेंगे, और लोगों का काम है कहना। हमें अगर क्लियरिटी है ना इस काम के प्रति, आपको समझ में आ चुका है ना, फिर लोगों की मत सुनना, क्योंकि आपके जीवन में आपकी जिम्मेदारी खुद है, आपका परिवार आपकी जिम्मेदारी है। वो लोग क्या कहेंगे जब आपके परिवार के साथ कुछ मिसहैपनिंग होगी, वो लोग क्या कहेंगे जब आप जीवन में आप जो चाहते हो सपने पूरे नहीं कर पाएंगे, वो लोग वो भी तो कुछ कहेंगे। तो भाई साहब, मैं तो एक चीज बोलता हूँ, इन लोगों की वजह से इस डिसीजन को मत बदलना। क्योंकि मैं तो एक चीज मानता हूँ सर, हर गली में 36 राय बहादुर मिलते हैं, ज्ञानियों की कमी नहीं है, और ज्ञान देने में लोग पीछे नहीं हटते हैं। मैं तो एक चीज मानता हूँ, इन ज्ञानियों से थोड़ा दूर रहिएगा। क्योंकि मैंने अभी एक रिसेंटली एक छोटा सा किस्सा सुना, वो दो ज्ञानी चले गए एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट पे जाके एक ने बोला कि भाई साहब ये इतना बड़ा हवाई जहाज है, इस पे मन दो मन पेंट तो लगता होगा इसे पेंट करने के लिए। तो दूसरा और बड़ा महाज्ञानी, उसने बोला भाई साहब बावला है कि तू, गवर्नमेंट इतनी पागल थोड़ी ना है, जब ये हवाई जहाज उड़ जाता है ना बहुत ऊपर तो ये इतना सा दिखाई देता, इतना सा तो 100 ग्राम पेंट लगता होगा। तो भाई साहब ऐसे ज्ञानियों से बचें, क्योंकि ज्ञान की कमी नहीं है यहाँ पे, और अपना बस अपने कोच को समर्पित हो जाएं। क्योंकि कहानी सारी सीधी सी यही है,
उन राय बहादुरों से बच जाओगे तो बहुत कुछ कर जाओगे सर। राइट। तो दोस्तों आप सुन ही रहे हो कि ढाई साल में सर का राज एक ही है कामयाबी का, कि राय बहादुरों से सावधान रहें और कामयाबी थोड़ा जल्दी आ जाएगी यदि उनकी बात न सुनेंगे तो। अच्छा सर, ये दो ढाई साल की जो आपकी जो जर्नी रही है, इतनी अच्छी सक्सेस आपने पाली, बहुत सारे लोगों को ज्यादा लंबा समय लग जाता है, आपका जल्दी कामयाबी पाने का क्या शॉर्टकट है? कुछ और साथियों को भी बता दो जिससे और कुछ फायदा हो जाए औरों को भी। सर कामयाबी का वैसे कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेरा मानना ये है आरसीएम बिजनेस अपने आप में एक शॉर्टकट है पहले से, क्योंकि हमने बहुत सारे काम, बहुत सारी जिंदगी के 15-20 साल में खुद अपना देखता था। गुरुजी ने कल एक बहुत शानदार सेशन लिया था, मैं पब्लिकली बोलना चाहूंगा, मैंने अपने 15 साल की कैलकुलेशन लगाई कि मैं पर आवर कितना कमाता हूँ। ओके। और आप यकीन मानिएगा मैंने 2.5 साल में उसे रिप्लेस कर चुका हूँ जो 15 साल में मैं नहीं कर पाया था। अच्छा जी, तो शॉर्टकट नहीं है इस बिजनेस में। मैं एक चीज मानता हूँ, इस बिजनेस में आपको सिर्फ मैनेजमेंट का थोड़ा सा गुर आना चाहिए। आप लोगों को पता है मैं नाइट करता हूँ डे में, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं मुझे भी लगता है कि मैं रेस्ट करूं। मैं सिर्फ एक चीज मानता हूँ सर, जो काम 5 साल में हो सकता है उसके लिए 60 साल क्यों? कारण काम करवाता है सर। कोई शॉर्टकट नहीं है इस दुनिया के अंदर, सिर्फ आपके पास ठोस वजह होनी चाहिए लिखित में काम करने। जैसे आप दुनिया में नौकरी में भी हम अगर पंच इन पंच आउट करते हैं तो यहाँ पे भी आपका एक निश्चित समय होना चाहिए। आप पार्ट टाइम में भी बड़ा झंडा गाड़ सकते हैं, पार्ट टाइम फुल टाइम कुछ नहीं होता है। आप सिर्फ अपने आप को मैनेज करिएगा, उन आवर्स को ढूंढिएगा जिसमें आप आरसीएम कर सकते हैं, और यकीन मानिएगा आप 100% इस बिजनेस में, अगर आपने एज पर अपने कोच की प्लानिंग के हिसाब से काम किया, उस हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो यकीनन आप उस कामयाबी को आप भी हासिल कर सकते हैं सर। कोई शॉर्टकट नहीं सर। अच्छा, तो आपने बता दिया कि देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ, बट जिनके पास कुछ लक्ष्य होते हैं ना वो कर ही जाते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा सर महेश जी, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? सर मेरी फेवरेट बुक है अनुशासन की शक्ति, बहाना बनाना छोड़ दें। ये बुक मैंने 2 बार पढ़ी। अच्छा, और शुरुआत में मैंने जब इसको पढ़ रहा था बहुत सारी चीजें मैं देख रहा था, और उसमें ना एक फॉर्मूला बताया गया था सर, मैं सभी के साथ वो शेयर करना चाहूंगा। ये बहुत बड़ी बात है कि उसमें लिखा था कि आपको 1000 फार्मूले पता है कामयाबी के, 1000 फार्मूले पते हैं कामयाबी के, उनमें से अगर आपको टॉप 1 बोला जाए तो आप कौन सा चुनाव करोगे? तो उन्होंने एक चीज बताई थी, अनुशासन। अनुशासन की परिभाषा दी गई थी, जरूरी काम सही समय पे करना, चाहे आपको वो पसंद हो या ना हो। जब जब आप वो काम करोगे जो चीज आपको अच्छा नहीं लगता, तब तब आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। और आपको क्या चाहिए? एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छी लाइफस्टाइल। तो आपको वो काम करने पड़ेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगता। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं रात भर जाग के दिन में लोगों के बीच में जाऊं, लोगों से मिलूं। मुझे भी ना सुनना अच्छा नहीं लगता था, मुझे भी किताब पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैंने पढ़ पढ़ के उनको पढ़ने की आदत डाली। और आज आप जो भी हैं अपनी आदतों की वजह से हैं, आप जो भी पहुंच पाए हैं अपनी आदतों की वजह से हैं, क्योंकि कहते हैं कि आपकी आदतें ही आपका भविष्य हैं। आप अच्छी आदतें डालिए, क्योंकि बुरी आदतों के लिए कोई स्कूल कॉलेज नहीं होते, अच्छी आदतों के लिए स्कूल कॉलेज खोले जाते हैं। कभी आपने सुना है कि अनपढ़ लोगों के लिए कोई स्कूल है? वो ऑटोमेटिक व्यवस्था है, पढ़ने लिखने की व्यवस्था है। आप अपनी आदतें बदलिएगा, आपका जीवन बदल जाएगा जी। तो दोस्तों आपने जान लिया होगा कि अनुशासन एक ऐसा पॉइंट है, यदि हम अपना लें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छा आपने बुक को रिकमेंड किया है, और सभी साथी जरूर इस पॉइंट को ले लें सर से उधार कि अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। मैंने स्कूल में लिखा हुआ देखा था, और अब अपनाना है, बस फॉलो करना है। और थोड़ा आगे चलते हैं सर, बहुत अच्छा लग रहा है, और दोस्तों आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि
इस तरह के सेशन कई बार सेमिनार में पॉसिबल नहीं रह पाते, दिल के राज में निकलवाने का प्रयास करता हूं और आपसे भी आग्रह करूंगा आगे चल के कि मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे अगले लीडर से कुछ क्या सवाल पूछने रहा करें, मुझे सजेशन जरूर भेजा करिएगा। और सर एक फेवरेट सवाल है मैं जो पर्सनली आपसे पूछना चाहता हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर कोच की बात या उस्ताद की बात क्यों माने और किसे उस्ताद या कोच बनाना चाहिए, तो आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए एक चीज बोली जाती है बिना गुरु के ज्ञान नहीं, ये हर फील्ड में है, मैं आरसीएम में भी कहता हूं, क्योंकि कोच की कोच जो होता है ना उसको, जैसे मैं सचिन की बात करता हूँ, उनके जो कोच थे, कोच आपको उस समय आपको बहुत हेल्प करता है जब देखो जब आपकी अचीवमेंट्स आ रही होती है, कोई भी अच्छा बोलता है, हर चीज होती हो रही होती है, लेकिन जब आप फेलियर्स के अंदर जाते हैं, आपको जब नकारात्मकता झेलनी पड़ती है, जब आप उस समय हतोत्साहित होते हैं, तो वो कोच होता है जब आपको कहता है कि तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। और मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आज जो भी कुछ हूँ, गुरुजी सुनील शर्मा जी मेरे कोच हैं, जो मैं इनको समर्पित हूँ, उन्होंने जब भी, मैंने हमेशा गुरुजी से जब भी बात करी, मुझे वो हमेशा वो एक्साइटमेंट, वो अंदर वो एनर्जी भर देते हैं, फिर मैं दोबारा से उन चीजों को और वो प्लानिंग के साथ दोबारा से मैं उठ खड़ा होता हूँ। और मैं कोच को हमेशा बोलता हूँ कि इस दुनिया का, अगर देखो कोच वो चीज होती है, आप जैसे हजारों पैदा कर सकता है लेकिन कोच एक ही होता है, तो उसकी ताकत को नजरअंदाज मत करना, उसको कभी भी क्रिटिसाइज मत करना, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा आगे बढ़ाएगी, वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेगी, वो हमेशा चाहेगी कि आगे बढ़े, क्योंकि माता पिता के बाद अगर कोई दर्जा मिलता है तो वो कोच को मिलता है, क्योंकि वो दो शख्सियत ऐसी होती है जो हमेशा चाहती है कि ये बच्चा ये हमेशा मेरे से भी आगे जाए, तो उसको समर्पित हो जाइए जीवन में, अगर आपको कुछ बड़ा करना है एज इट इज जो वो बोले उनको आप समर्पित हो जाएं। कोच की महिमा का गुणगान मैं कितना करूं उतना ही कम है, क्योंकि मैं एक चीज बोलता हूं, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया। बहुत जी सर, बहुत बढ़िया। देखिए लीडर के अंदर ये गुण तो होता ही है, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो आपके अंदर कूट कूट के पहले से ही है, आप प्रो लीडर हैं सर, बहुत बढ़िया। आपकी भावनाएं, आप दिल से बात कर रहे हैं, मैंने जैसे ही आप बोला कि ये सेशन कब तक चलना चाहिए, तो कई सारे लीडर्स ने मैसेज कर दिया कि सर रात भर चलना चाहिए, तो सर वो तो संभव नहीं है, आप भी समझ सकते हो, पर ये बात पक्का है कि जब एक आदमी कामयाब होता है ना कोई भी, तो वो बहुत कुछ बताना चाहता है, और हमारा उद्देश्य आपके काम को हल करना है, जब महेश जी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। तो सर कोई भी लीडर कौन से ऐसे तीन काम कर ले जिससे वो टेक्निकल अचीवर बन सकता है, वो तीन काम जो आप जिन्हें टॉप प्रायोरिटी देना चाहेंगे आरसीएम में, वो क्या है? सर मेरे हिसाब से ना सबसे पहले तो हमें प्राथमिकताएं सेट करनी चाहिए। अच्छा जी, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आपके लिए सपने इम्पोर्टेंट हैं, आपकी जरूरतें इम्पोर्टेंट है, सेट करिए कि आप अपने जीवन में पाना क्या चाहते हैं। सबसे पहले तो आपके पास आपका गोल, आपका लक्ष्य होना चाहिए, बिना उसके इंसान कहीं नहीं चल सकता। कहते हैं ना कि जब तक वो गोल नहीं होगा ना इंसान मूव नहीं करेगा, वो जो गोल होता है ना उसमें फ्यूल का काम करता है, वो एनर्जी देता है। पहली चीज आपके पास गोल होना चाहिए, दूसरा सबसे बड़ी चीज आपको अपने कोच को समर्पित हो जाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी प्लानिंग करेगा, वो सारी चीजें वो चीजें सिखाएगा जो आज वो जिस वजह से सक्सेसफुल है। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डोंट री इन्वेंट द व्हील, पहिए का आविष्कार ऑलरेडी हो चुका है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, खोपड़ी ना लगाए। खोपड़ी के बारे में एक महापुरुष बोलते हैं, जो खोदिए जब वो पड़ी है, तो खोपड़ी ना लगाएं। सबसे बड़ी बात समर्पित होकर काम करें, और तीसरी चीज इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी बात होती है खुद पे विश्वास, सिस्टम पे विश्वास, उस अपलाइन पे विश्वास। जब तक आपका बिलीव सिस्टम आपको ये नहीं कहेगा कि तू इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकता है, तब तक मतलब ही नहीं, आप हिल जाएं इस बिजनेस के अंदर। आपके अंदर कॉन्फिडेंस जब ही आएगा,
जब आपके अंदर उस चीज को लेके विश्वास होगा। सर ये तीन चीजें मेरे हिसाब से हैं, बाकी सिस्टम का पार्ट है, एजुकेशन का पार्ट है। जब लोग आएंगे, एजुकेशन इतनी खतरनाक चीज होती है जब लोगों को पता ना कैसे क्या कर देती है, तो एजुकेशन आगे की एजुकेशन हमारे कोच हैं, आप सब लोग हैं, तो मैं तो ये कहूंगा सर इन तीन चीजों के साथ स्टार्ट करिएगा, 100% सक्सेसफुल होंगे आप। बहुत बढ़िया सर। कई बार मन में भी ख्याल आता है कि ये तो नमक मिर्च और ये प्रोडक्ट वगैरह ही तो है, तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मिशन रॉयल्टी, मिशन टेक्निकल, इनका क्या रोल है सर एक लीडर की कामयाबी में? सर बहुत बढ़िया सवाल है। कई बार हमें, जब मैं शुरुआत करी थी, मैं कुछ लोगों को बोलता था कि आज आपको रॉयल्टी स्कूल में चलना है, तो बहुत सारे बहाने होते हैं लोगों के पास। मेरा ये है, क्योंकि देखो मैं एक चीज मानता हूँ, ट्रेनिंग बहुत बड़ी चीज है। अगर मैं जिंदा हूं ना, सांसें अगर हैं किसी चीज में, ट्रेनिंग सांसों का काम करती है, क्योंकि आपको वो ही पता है जो आपको पता है, आपको वो नहीं पता ना जो चाहिए इस काम के लिए, जो जरूरी चीजें हैं आपको नहीं पता हो, और वो कौन देख बताएगा? एक एक्सपर्ट। और एक्सपर्ट्स की को जब आप सुनते हैं, आपकी बहुत सारी गलत धारणाएं होती हैं, वो धारणाएं टूटती हैं, क्योंकि मैं अपने नॉलेज के आधार पर तो काम कर सकता हूं ना। मुझे थोड़ी ना पता है कि यार आरसीएम बिजनेस कैसे काम करता है, मैं तो अपना दिमाग लगाऊंगा ना। तो ट्रेनिंग समझ लीजिएगा, वहां पे आपके अंदर जो वो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगी ना, वो ट्रेनिंग से होगा। आपका जो माइंड सेट को चेंज करेंगी ना, वो ट्रेनिंग से होगा। तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है सर, आपको सही समझ लीजिए। ट्रेनिंग, मैं फिर वो रिपीट कर रहा हूँ, सांसों का काम करती है जी। अच्छा सर एक चीज और, मैंने 3 साल में आपको बहुत ऑब्जर्व किया है, आप जब भी कोई टारगेट लेते हैं उसे हिट कर देते हैं, आपकी टीम हिट कर देती है, और कई बार कोई आदमी लीडर टारगेट लेता है उसे हिट नहीं कर पाता, तो वो किस तरह टारगेट ले या किस तरह काम करते हो आपके भाई टारगेट हिट हो जाता है, तो उसके पीछे थोड़ा सा सजेशन हमें चाहिए आपसे कि भाई लीडर को टारगेट किस हिसाब से सेट करना चाहिए। जी सर बहुत शानदार सवाल है। देखिए सर, टारगेट ओरिएंटेड इंडस्ट्री में है हम लोग, ये तो सिंपल है। हर इंडस्ट्री में टारगेट्स दिए जाते हैं, लिए जाते हैं, इस इंडस्ट्री में भी टारगेट्स का ही खेल है, और टारगेट के बिना चल ही नहीं सकते हम लोग, क्योंकि हमें कारण तो होना चाहिए ना, सुबह क्यों उठ रहे हैं हम लोग। तो पहले तो हमारे पास टारगेट होना चाहिए। टारगेट कैसे लिया जाना चाहिए? देखो ये प्लानिंग का पार्ट है, आपका स्ट्रक्चर कैसा है, आपकी टीम में कैसे लीडर्स हैं, ये बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। लेकिन मैं एक चीज बोलता हूँ सर, कथनी और करनी मंत्र नहीं होना चाहिए। अगर आपने टारगेट ले लिया, वो आप भी बोलते हैं, वो जो पता ना, मैंने वो मूवी देखी नहीं है साला, फिर सुनेगा नहीं क्या है वो, तो वो उसको आप प्रूव करिएगा। और मैं एक चीज मानता हूँ सर, आप जब लिखते हैं ना किसी चीज को, मैंने पिछले करीबन 6 महीने से हर दिन मैं अपने टारगेट्स को लिखता हूँ, इस साल मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, वो 10 चीजें मैं अपने जीवन में पाना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता वो व्यवस्था कैसे हुई, क्या हुआ, मैंने जब से वो लिखना शुरू किया, परमात्मा मेरे साथ है 100%। मैं उस परमात्मा में इतना विश्वास करता हूँ, वो बहुत प्यार करता है मेरी टीम से, मेरा कोच मेरी टीम से बहुत प्यार करते हैं। मतलब आप यकीन मानिएगा, आप लिख दीजिएगा जो आप पाना चाहते हैं, वो व्यवस्था अपने आप बन जाएगी। आप उस गॉड में, उस परमात्मा में विश्वास करते हैं, तो आप लिखना शुरू करिए क्या पाना चाहते हैं आप इस दुनिया में, इस साल क्या पाना चाहते हैं, अगले साल क्या पाना चाहते हैं, आपके पास वो गोल्स होने चाहिए। और आप बेफिक्र होके उस पर काम करिएगा, प्लानिंग का पार्ट है वो। लेग स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, गुरु जी का वो पार्ट रहता है काउंसलिंग का, काउंसलिंग में वो गोल सेट करवाते हैं कोच आपके, आपका स्ट्रक्चर कैसा है। अनइवन टारगेट लेने से सर कई बार क्या होता है, वो पहाड़ जैसा लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब वो पहाड़ लगेगा तो आप एक्शन कर ही नहीं पाएंगे। तो एक्शन करने के लिए वो हमेशा बोला जाता है, वो टारगेट को आप टुकड़ों में डिवाइड करिए, क्योंकि जब वो टुकड़ों में आ जाता है, डेली उस पर काम करेंगे, और अपनी पीठ थपथपाइए, अपने आप को अप्रिशिएट करिए। जब आप डेली उस काम को कर लेते हैं, तो आपको 100% जब आप अप्रिशिएट करते हैं ना अपने आप को, तो
ऑटोमेटिकली वो चीजें होनी शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल सही सर, लक्ष्य होना ही चाहिए। और इसमें मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूं, महेश जी की जिंदगी का क्या गोल है, महेश जी का बर्निंग डिजायर क्या है, महेश जी का मकसद क्या है, महेश जी क्या चाहते हैं, महेश जी का वो ड्रीम, वो पंचलाइन क्या है जिसकी वजह से महेश जी खेल रहे हैं आरसीएम में? देखो सर सिंपल है, मैं एक चीज मानता हूं जीवन में तीन चीजें इंसान को चाहिए। पहली चीज मैं बोलता हूँ सांसारिक जवाबदारी, आरसीएम से बेहतर प्लेटफॉर्म दुनिया में नहीं है। अगर आपको अपने जीवन की सांसारिक जवाबदारी को पूरा करना, अपने परिवार की, अपने जीवन की, अपने भौतिक जीवन की, अगर आपको वो पूरा करना है, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज निस्वार्थ सेवा भाव, क्योंकि देखो ये एक बहुत बड़ी चीज है ये प्लेटफॉर्म ना, जब आप लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट करते हो, आप यकीन मानना जब आप किसी को कुछ देते हो ना, अंदर जो खुशी मिलती है वो अल्टीमेट है सर। इस बिजनेस में हमें ये चीज सिखाई जाती है, जब तक आप टीम के लिए नहीं करेंगे आपका कुछ कल्याण होने वाला नहीं। तो दूसरी चीज आप निस्वार्थ सेवा भाव से यहाँ पे आप काम कर सकते हैं, लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आरसीएम बिजनेस के अंदर वो खूबी है जो आप लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट करते हैं। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह इस आरसीएम बिजनेस में मेरा यहाँ पे काम करने का वो है कि आप लोगों के लिए प्रेरणा बने। जब आप इस दुनिया से जाएं तो लोग ये कहें कि भाई साहब बनना है तो इस जैसा, नहीं तो कोई फायदा नहीं इस जीवन का। देखो पेट भरने के लिए दुनिया काम कर लेती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने देखा होगा हमारा जन्म अगर सिर्फ इसलिए हुआ है कि हम यहाँ पेट भरने आए हैं तो भाई साहब कोई फायदा नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमारा जीवन सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए आए तो उससे बढ़िया, तो भाई साहब आप जानते हैं कितने कितने कर देते हैं वो जानवरों में है ऐसे प्राणी। तो ये आपका मकसद नहीं होना चाहिए। तो आपके पास सीधी सीधी अगर मैं बात करूं, आप जब इस दुनिया से जाएं तो आप लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, क्योंकि दुनिया उन्हीं को सलाम करती है जब आप किसी जीवन में, किसी के जीवन में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके जीवन में रंग भरते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है सर, कंप्लीट पैकेज है आरसीएम बिजनेस। आप अपनी सांसारिक जवाबदारी पूरी करिए, आपके सपने हैं उनको पूरा करने का इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं है। आप निस्वार्थ सेवा भावना से आप लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात जब इस दुनिया से आप जाएंगे तो लोग आपको हमेशा याद रखेंगे, सात पीढ़ियां याद रखेंगी कि इनकी वजह से आज मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में सब कुछ हो रहा है। जी सर राइट, बहुत बढ़िया। और एक मैसेज हाई प्रोफाइल लोगों के लिए कि हाई प्रोफाइल लोगों को आरसीएम क्यों करना चाहिए? देखिए सर प्रोफाइल की बात है ही नहीं, सपनों की बात है, चाहे हाई है चाहे मिड है चाहे लो है, प्रोफाइल कुछ नहीं मैटर करता, आपके सपने मैटर करते हैं। और जब किसी को कारण क्लियर हो जाता है सर, प्रोफाइल साइड में रह जाता है और सपने काम करवाते हैं। और मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ सर, इस ईगो को साइड में रख के एक बच्चे की तरह इस काम को करिएगा। क्योंकि मैं एक चीज बोलता हूँ, जब आप काम स्टार्ट करोगे ना, नकारात्मकता बहुत है इस देश के अंदर। इस देश में मैंने बोला ना, राय बहादुर बहुत घूमते हैं तो नकारात्मकता आती है। मैंने सुना था एक लीटर काले पेंट को व्हाइट करने के लिए 2700 लीटर पेंट लगता है। यानी कि अगर एक छोटी सी नेगेटिविटी आपके अंदर आ गई है तो आप देख सकते हैं कि कितना मीटिंग्स, कितनी ट्रेनिंग्स, कितनी कोच की काउंसलिंग्स आपको लगेंगी। तो मेरा मैसेज सभी के लिए ये है, चाहे वो हाई प्रोफाइल है चाहे लो प्रोफाइल है, कभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो, सिस्टम से लेके कोई भी आपके अंदर डाउट हो, आप अपनी इफेक्टिव एक्टिव अपलाइन के साथ काउंसलिंग करिएगा। जब भी कोई समस्या आए, देखो समस्याएं आएंगी, ये दुनिया है, बिजनेस है, जीवन का नाम दूसरा नाम समस्याएं हैं, रहेंगी सर। ये मैं बोलता हूँ, मैंने एक श्लोक को सुना था, वो मैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं जरूर उस श्लोक के माध्यम से लोगों को मैसेज देना चाहूंगा। रहीमन व्याधि विपत्ति में, रनवन व्याधि विपत्ति में, रहीमन पड़ो न रोए, जो रक्षक जननी जठर, सो हरि गयो न सोए। इसका मतलब क्या है सर, जब फेलियर्स आते हैं, सेटबैक्स आते हैं, लोग ना निराश हो जाते हैं, अरे वो मैदान है, संघर्ष का मैदान है, उसमें आपको आएंगे, ये जीवन है, आपको आएंगे,
वो ये इसमें कहना चाहता है कि जब एक बच्चा पेट में होता है, जब 9 महीने वो उल्टा लटका रहता है, आप सोच के देखिए पेट में क्या रक्त होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। परमात्मा अगर आपको उन परिस्थितियों में भी जिंदा रख सकता है, एक इंसान की उत्पत्ति इतनी भयावह है तो कुछ तो सोचा होगा आपके लिए परमात्मा ने। तो जब आपका जन्म इतना इस तरीके से हुआ तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो जीवन में आपको संघर्ष नहीं आएंगे। तो सर ये मैसेज यही है मेरा, उस परमात्मा पे विश्वास रखिएगा, हमेशा वो आपके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करता है। अगर आपको वो परिस्थितियां दे रहा है तो आपको वो मजबूत बनाने के लिए दे रहा है। गुरुजी हमेशा बोलते हैं, महेश जी अगर कोई जीवन में अगर ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं तो समझ लो आपको वो मजबूत बना रही है। कल को अगर आपकी टीम के साथ आएंगी तो आप कैसे उसमें कैसे डील करोगे उन चीजों। तो सर जरूरी है इन परिस्थितियों का आना, फेलियर्स का आना, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, और आप उससे निकलते कैसे हैं, इट्स एन आर्ट ऑफ लाइफ। यस, बहुत बढ़िया सर, वेल सेड। लास्ट क्वेश्चन फॉर यू सर, 2022 में एक लीडर को क्या लक्ष्य लेना चाहिए और स्पेशली महेश जी की क्या तैयारी है? जी सर, मैं कमिट करता हूं मैं इमराल से नीचे नहीं रहूंगा और मेरी टीम में 15 रॉयल्टी अचीवर से नीचे नहीं रहेंगे, क्योंकि मैंने वो एज इट इज प्लान सेट कर लिया है, उस पर काम हो रहा है और इन्हीं प्लानिंग पे हम कोच से डिस्कस करते रहते हैं और क्या बेटर हो सकता है, क्योंकि संभावनाएं हैं इस बिजनेस के अंदर, ज्यादा भी हो सकती है लेकिन जो कह दिया वो होगा सर। क्या बात है। तो एक लीडर, मान लीजिए कोई अभी इस समय ईगल अचीवर है, तो उसे क्या टारगेट लेना चाहिए 2022 का? सर ये अगेन डिपेंड करता है, वो प्लानिंग काउंसलिंग का पार्ट है, उसमें हमेशा लेग स्ट्रक्चर, उसकी टाइम वो कितना दे रहा है, उसके वर्किंग आवर्स क्या हैं, सारी चीजें डिपेंड करती हैं। क्योंकि अगर मैं कह दूं कि भैया बनने को 3 महीने में रॉयल्टी भी जा सकते हैं, लेकिन सवाल वो नहीं है कि वो सवाल उसके खुद के अंदर जुनून का है, उसके अंदर उसका कारण का है, वो पाने को कुछ भी पा सकता है, असंभव इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं है। राइट, तो महेश जी अब हम प्रोग्राम के बिल्कुल एंड में आ चुके हैं, आपको छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा, मेरा ही नहीं बहुत सारे लीडर्स का, पर क्या करें मर्यादाएं हैं कुछ, आज समय बहुत ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा, बहुत ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा। मैं आपसे इन्हीं शब्दों के साथ विदा चाहता हूं कि आप, हमारी शुभकामनाएं हैं पूरी टाइगर टीम इंडिया की कि आप लोगों के रोल मॉडल बने और लोगों का प्यार, लोगों की दुआएं ऐसे ही पाते रहें। 2022 में आपने जो बोला है उससे कई गुना ज्यादा आपको कामयाबी मिले और पूरी टाइगर टीम इंडिया आपसे बहुत कुछ सीखे, नॉट ओनली टाइगर टीम इंडिया, आरसीएम में अब बहुत आगे बढ़े, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं विराम देते हैं। मैं समझ सकता हूं जैसे मन मेरा नहीं भरा आपका भी नहीं भरा होगा, पर फिर कभी मिलेंगे बहुत जल्द महेश जी से, और हर शनिवार हम प्रयास करेंगे एक ऐसे ही कामयाब आदमी को आपके सामने लाएं और उनसे जानें कि एक आम आदमी कैसे खास बनता है। और आरसीएम में मुझे नहीं पता ये कैसा नमक है, ये कैसे कपड़े हैं जो आदमी को कामयाब कर देते हैं, और ये कैसी संगत है जो आदमी को ऐसी कामयाबी के विचार उसके अंदर आ जाते हैं। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार, इतना सम्मान देने के लिए, महेश जी अपना समय निकालने के लिए, और पूरे हिंदुस्तान से जो आप सभी ने समय निकाला है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार करिएगा थोड़ी और ज्यादा तैयारी, क्योंकि हम हर शनिवार कोई ना कोई लीडर को लाने ही वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय आरसीएम। Thank you so much.